वेलकम बैक गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज दुर्गा, यू आर विजिटिंग ड्रीम डिवाइन। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली मुफ्ती यासीन नदीम से वीडियो है कुरान के बारे में, देखते हैं क्या बताते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते, फर्स्ट पार्ट है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्ट एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग। कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीम उर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। और आज हमारी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है। आप सब इनसे वाकिफ हैं, मुझसे ज्यादा इनसे वाकिफ होंगे, यकीनन होना चाहिए। खुद मैं इनका बहुत मद्दा हूं और मुझे भी ये मौका मिला, दो मरतबा ये मौका मैसर आया कि इनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किया ऑनलाइन, लेकिन मुलाकात बिलमुशाफाना पहली मरतबा हो रही है। मुफ्ती यासिर नदीम वाजदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से अजीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से ही नहीं, खुश भी बहुत हूँ आपको देखकर, आपसे मिलकर। और हमने यासिर भाई आजकल इंग्लैंड आए हुए हैं, अमेरिका में रहते हैं, यूएस में रहते हैं, इस वक्त लंदन आए हुए हैं और हम इनसे मिलने आए हैं और इन्हीं से खाना खा लिया आकर, तो बजाय इसके कि इनको लेकर जाते कहीं खिलाते पिलाते, इन्हीं से अभी जो है ना हमने दावत ली है और खूब माशाल्लाह मजेदार खाने खाए हैं। तो मैंने कहा भाई ये मौका जाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सब लोगों को पता चल गया कि मैं यासिर भाई से मिला हूं और हमने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया तो ये तो जुर्म है भाई, जुर्म है। तो वैसे भी जुर्म में बहुत दिनों से जो है मुर्तकिब है इसके कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही हैं। ये है भाई, ये है। और मुझे पता है भी सब लोग कह भी रहोगे अजीम भाई कहाँ गायब हो जाते हैं आप, बस नालायकी है भाई, कुछ नहीं कह सकते, जितने भी बहाने करूं इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। बहरहाल हमने सोचा कि भाई किस मौजू पर बात की जाए। पहले तो मेरा ख्याल था कि कोई हल्का फुल्का सा हंस बोल लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन एक नहायत अहम मौजू, एक नहायत हसास मौजू जिस पर मैं आज गुफ्तगू करने का मुतमन्नी हूं। और ये मौजू ऐसा है कि जिस पर बात करते हुए मैं घबरा रहा हूं, परेशान हूं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जो मौका दिया है इसको इसमें यूटिलाइज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आज जब जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान, यानी हिफाजत कुरान, कुरान हकीम की जो हिफाजत है, जो सिलसिला है, वो कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसके बारे में जो एतराजात किए जाते हैं वो क्या हैं, उनका कैसे जवाब दिया जाए, और क्या कुरान मजीद मुकम्मल तौर पर हम तक पूरी हिफाजत के साथ मुंतकिल हुआ है। तो ये वो मामला है जिस पर हम बात करेंगे। हम सब जानते हैं, आप में से एक बड़ी तादाद जानती है कि पिछले दिनों इस मौजू को लेकर जो दुश्मनाने इस्लाम है उसमें मुल्हिदीन हो, क्रिश्चियन मिशनरीज हो, उन्होंने खूब वादेला किया है और खूब इसको इशू बनाया है। तो उसकी क्या हकीकत है इस पर हम बात करें। मेरी ख्वाहिश थी, पहले मैंने जो इरादा किया वो अदनान रशीद, जो मेरे दोस्त हैं उस्ताद अदनान रशीद के, उनसे गुफ्तगू हो, लेकिन माशाल्लाह वो दावा के सिलसिले में दूसरे ममालिक में होते हैं जब भी मेरी उनसे बात हुई। फिर ये हुआ कि डॉक्टर शहजाद सलीम आए हुए थे अमेरिका से, अमेरिका या कैनेडा से गालिबन, लंदन में, तो मुझे बताया गया कि भाई वो आए हुए हैं, उन्होंने प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान पे बाकायदा किताब भी लिखी है, लेकिन उस वक्त मैं पाकिस्तान में था, वो भी तरतीब नहीं बनी। लेकिन शायद आज जो है वो ये अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर किया था कि हम दोनों बैठे और बात करें। इतनी तमहीद इसलिए भी बांध रहा हूं कि हमने जो इस वक्त गुफ्तगू करनी है फिलबदी है, ठीक है, इसके बारे में कोई तैयारी नहीं है, इसके बारे में कोई स्क्रिप्ट नहीं है, क्या पूछा जाएगा, क्या जवाब दिया जाएगा, कितनी देर का होगा कुछ नहीं मालूम। तो इसमें जो कमी हो कोताही हो वो हम अल्लाह ताला से तो माफी के ख्वास्तगार होंगे ही, आपसे भी हम माजरत खाओगे और उसमें जो मामला होगा फिर इंशाल्लाह इजाफा करेंगे। तो इब्तिदा करते हैं यासिर भाई, तो जैसा मैंने अभी अर्ज किया कि प्रेजर्वेशन ऑफ कुरान, कुरान मजीद की हिफाजत, मैं चाहता हूं कि आज आप हमें समझाएं कि कुरान मजीद कैसे और किन मराहिल से होकर आज हम तक मुंतकिल हुआ है, उसके क्या क्या मरहले हैं। तो मरहला वार बताइए कि इसकी हिफाजत का पहला एहतमाम क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, और यूं करके हम कोशिश करें कि उसको समराइज कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखिए, जब बात होती है प्रिजर्वेशन ऑफ कुरान की तो बहुत से लोग यहां से शुरू करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद कुरान करीम की हिफाजत इस तरह की गई, लेकिन हकीकत यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही हिफाजत कुरान का सिलसिला शुरू हो गया था और उसी एहतमाम से शुरू हुआ था जो एहतमाम हमें खिलाफत राशिदा में मिलता है। अच्छा,
और वो इस तरीके से कि ये समझा जाता है कि शायद कुरान मुकम्मल नहीं लिखवाया था अब अलैहिस्सलाम ने, बाद में हज़रत अबू बकर के ज़माने में और फिर हज़रत उस्मान के ज़माने में कुरान करीम को लिखवाया गया, ऐसा नहीं है। बल्कि खुद कुरान की इस बात पर शहादत है कि जिस वक्त कुरान करीम नाजिल हो रहा था तो उसको लिखवाया भी जा रहा था। मसलन सूरह बकरा की ही आयत है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, अब किताब तो वो है ना कि जिसको लिखा जाएगा, किताब खुद कतबा से है और कतबा के माने आते हैं लिखने के, तो इसका मतलब यह है कि जिस किताब को किताब कहा जा रहा है वो किताबी शक्ल में, वो तहरीरी शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद थी। हाँ, जितना जितना कुरान करीम नाजिल हो रहा था उतना उतना उसको लिखवाया जा रहा था। तकरीबन 60 के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन थे कि जो मुस्तकिल तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलाने पर आते थे और कुरान की जो आयतें नाजिल हुई उनको लिखते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह का वाक्य लिख लीजिए, उनको इस्लाम लाने का कितना मशहूर वाकया है, सभी इससे वाकिफ हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए चले थे, लेकिन इस्लाम किस तरीके से लाए, जब पता चला कि बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया, बहनों ने कर लिया, उस वाक्य में एक चीज मिलती है कि उन्होंने कहा कि अच्छा वो चीज दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। ये तो सूरह ताहा लिखी हुई थी, तो उनकी बहन ने कहा कि मैं नापाकी की हालत में है आप, इसलिए मैं भी आपको नहीं दूंगी, आप पहले हाथ मुंह धोएं। तो इसका मतलब ये कोई चीज लिखी हुई थी, और ये वाकया बिल्कुल अर्ली पीरियड का है इस्लाम के, यानी ऐसा नहीं है कि ये मदीने का वाकया है, बल्कि बिल्कुल इब्तदाई दिनों का वाकया है। इसी तरीके से कुरान करीम में एक आयत है कि इन्हें इल्ला असातीरुल अव्वलीन ततबहा, यहां इक्तदबहा का लफ्ज है कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से ये एतराज होता था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके ऊपर नाजिल होने वाली वही पर कि ये तो पिछले लोगों के किस्से हैं जो मोहम्मद ने लिखवा लिए हैं। इक्तदबहा, हाँ, यानी ये तो बाकायदा लफ्ज ही है कि जो लिखवा लिए हैं जी, यानी या तो ये होता है कि जो ये बता रहे हैं, बता रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं लिखवा लिए हैं तो इसका मतलब लिखवाने का सिस्टम था। सही, तो ये सिस्टम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इंट्रोड्यूस हो गया था, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था, और हर हर आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाते थे। बल्कि ऐसा एक हदीस है, सही हदीस है कि उसमें एक आयत नाजिल हुई ये सूरह माईदा की, तो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई ज़ैद इब्न साबित को बुलाओ और वो दवात कागज कलम तख्ती जो भी उनके पास मैसर हो वो लेकर आए, और वो आयत उसी वक्त उनको लिखवाई गई। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आयत लिखवाते थे तो वो किसी कमरे में या प्राइवेट लाइफ में ये काम नहीं होता था, बल्कि ये पब्लिकली होता था, मस्जिद में बैठकर होता था, सहाबा के सामने होता था, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लिखे हुए टुकड़े को जिस शख्स ने लिखा है उसी को इनायत फरमा देते थे, इल्ला ये कि कोई और तलबगार हो तो फिर उसको इनायत कर देते थे, लेकिन ये सब अवामी जगहों पर होता था, लोग उसके ऊपर गवाह बनते थे। और ये भी मुमकिन है कि जब वो लिख रहे हो तो बाकी लोग भी उसको अपने नुस्खों में दर्ज कर रहे हैं। उसका तरीका ये होता था कि जब ये लिख लिया कातिब ने तो अब लिखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़कर सुनाता था, तो गोया कि जो लिखा गया है वो वेरीफाइड हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। सुभान अल्लाह, यानी तो ये ऑटोग्राफ्ड है, ये ऑटोग्राफ्ड कॉपी है। जबरदस्त जी। अब उसके बाद ये इनायत कर दी गई उस कातिब को या जिसने भी उसको तलब किया, और गवाहों की मौजूदगी में मजमे में दी गई, तो सबको पता है कि ये आयत जो लिखी हुई है ये फला साहब के पास है। अब जब ये फला साहब अपने घर जाएंगे, अपने महल्ले में जाएंगे, तो वहां जो दूसरे असहाब होंगे वो उनसे कॉपी करेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने कॉपी की वो पब्लिक में की हो। तो इसकी जो फर्स्ट कॉपी है वो तो ऑटोग्राफ्ड है, वेरीफाइड बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जो दूसरी और तीसरी कॉपी है ये जरूरी नहीं कि उस पर गवाह मौजूद हो। वाह, सही। तो सही। इस तरीके से प्रिजर्वेशन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि यानी एक तो देखे प्राइमरी मोड है जो कि इसकी सेफ्टी का है कि वो एक ओरल ट्रेडिशन भी हमारी रही है। बिल्कुल, यानी इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना, मेरे ख्याल से एक बदतरीन दुश्मन भी जो हो इस्लाम का उसमें जरा सी भी जो है सच्चाई होगी तो वो कभी इस बात का इनकार नहीं कर सकता कि मुसलमानों में जो कुरान हकीम की हिफाजत का मामला हुआ है वो सबसे पहले एक ओरल ट्रेडिशन के तौर पे हिफ्स के मामले। बिल्कुल, और सहाबा के बारे में यानी आज के दौर में शायद ये मुश्किल हो जाता है इस चीज सोचना, लेकिन उनके यहाँ ये मामला हुआ करता था कि वो बकायदा अपना नस्ब याद करते, पूरा जो सिलसिला है उसको वो याद करते थे। हाफजे का बहुत गैर मामूली मामला, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके बारे में खासे जो है वो मारूफ थे। तो ये ओरल ट्रेडिशन और आज तक, यानी क्या ये मैं कहने में ठीक हूं कि हक बजाने हूं कि आज भी हम इसका एक अक्स यूं देखते हैं कि नमाज में जो हम पढ़ रहे होते हैं, आप सबका तजुर्बा है बता मैं ये इसलिए रहा हूं कि हम नमाज पढ़ते हुए अगर कारी से इमाम से कुछ गलती हो जाए, ठीक है, वो आ की जगह ई की आवाज निकाल दे, कोई लफ्ज आगे पीछे कर दे, फौरन पीछे से रुकमा आएगा। जी हाँ,
ठीक है, क्या मुमकिन है? यानी अपने आप को जरा सा सोचें एक लम्हे के लिए, अपनी मुखालफत एक तरफ रख के, कि क्या ये मुमकिन है कि कोई शख्स गलत लफ्ज बोल रहा हो और पीछे वाला जो है ना उसको लुकबा ना दे? आप तरावी जिसने भी इसको तजुर्बा किया है वो इस बात को जानता है। तो उस वक्त क्या गैर मामूली इंतजाम होगा? तो पहला पहला स्टेप तो देखें, ये ओरल ट्रेडिशन के तौर पर मौजूद है। दूसरा, यासिर भाई हमें बता रहे हैं कि उसको लिखा भी जाता था रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के अंदर, तो ठीक है। अब असल में ये बात जो है हमारी जो बुनियाद है, बुनियादी दलील कि कुरान करीम महफूज है और हम तक जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ उसी अंदाज और उसी तरीके से हम तक पहुंचा है, इसकी जो बुनियादी दलील है वो ओरल ट्रेडिशन ही है। और तवातुर, इसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज इस्तेमाल होता है वो तवातुर है। तवातुर की चार किस्में हैं, उसमें जो तवातुर तबका है, तवातुर तबका अन तबका का मतलब ये होता है कि एक पूरी जनरेशन ने पिछली जनरेशन से किसी चीज को बाकायदा अख्ज किया हो तालीम व तालुम के जरिए, नसल दर नसल दर नसल ये मुंतकिल हुआ हो। बिल्कुल। तो सहाबा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अब जाहिर है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद सोर्स हैं, तो इसलिए वहां पर यानी उसका मल्टीपल सोर्स होना कोई मुमकिन नहीं है। लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी एक जनरेशन ने कुरान करीम सीखा और अगली जनरेशन को बाकायदा सिखाया, तो ये बुनियादी दलील है कुरान करीम की। कोई शक नहीं पड़ सकता, यानी ये कतई बात हो गई और ये कोई मजहबी टर्मिनोलॉजी नहीं है, यानी आप एपिस्टेमोलॉजी जो है वो इसमें यही बताती है। हम जानते हैं कि जब नस्ल दर नस्ल शिफ्ट होता है एक बहुत बड़ी तादाद दूसरे को, तो उसमें फिर झूठ की आमेजिश नहीं हो सकती, झूठ का इम्कान महाल है। तो यानी ये पूरी जो ओरल ट्रेडिशन है ये नस्ल दर नस्ल सही हम तक शिफ्ट। तो आप लोगों ने देख लिया और कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पे बनाए रखना, जैसे आपने शुरू से सपोर्ट किया वैसे आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।